Hello friends, I am Rita Pandey. I am from Sri Vaishnav Institute of Forensic Science. Today I will discuss precaution while dealing with digital evidence. Firstly, we discuss digital evidence. It is any probative information stored or transmitted in digital form that a party to a court case may use at trial. कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि डिजिटल तरीके से ट्रांसमिट की गई हो या स्टोर की गई हो किसी भी डाटा में, वो सारी ही इंफॉर्मेशन डिजिटल एविडेंस के अंडर आती है। इस सच सम कोर्ट्स हैव सम टाइम ट्रीटेड डिजिटल एविडेंस डिफरेंटली फॉर पर्पस ऑफ ऑथेंटिकेशन हियर से द बेस्ट एविडेंस रूल्स एंड प्रिविलेज। जो भी एविडेंस होते हैं हम उन्हें अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे बायोलॉजिकल एविडेंस होते हैं उन्हें हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, फिजिकल होते हैं उन्हें अलग, लेकिन जो डिजिटल एविडेंस होते हैं हम उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कि जो डिजिटल एविडेंस होते हैं हमने एज इट इज यूज नहीं करते हैं, हम लोग उनकी एक इमेजिंग बनाते हैं। जैसे कि कोई कॉपी बनाना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी डिजिटल एविडेंस की बिट टू बिट कॉपी करते हैं, उसके बाद हम उस कॉपी का यूज करते हैं, क्योंकि हम कभी भी जो ओरिजिनल एविडेंस होते हैं उस पर वर्क नहीं करते हैं। तो कोर्ट जो होती है वो ओरिजिनल एविडेंस पर कभी वर्क करने नहीं देती है, क्योंकि क्या होता है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हम दूसरा एज इट इज एविडेंस कहाँ से लाएंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79A, सेक्शन 79A ऑफ आईटी एक्ट 2008 डिफाइंस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एविडेंस इज एनी इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू दैट इज आइदर स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड इंक्लूड्स कंप्यूटर एविडेंस, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल वीडियो, सेल फोन्स, डिजिटल फैक्स मशीन एक्सेट्रा। सेक्शन 79A ऑफ आईटी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल में या किसी भी डेटा में स्टोर होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल एविडेंस के अंदर आती है। इसमें हो सकता है वो डिजिटल ऑडियो हो, वो डिजिटल फाइल हो सकती है, सेलफोन हो सकते हैं, डिजिटल फैक्स हो सकते हैं एक्सेट्रा। नाउ डिजिटल एविडेंस इंक्लूड, डिजिटल एविडेंस के अंदर बहुत सारे एविडेंस आते हैं, जैसे कि या तो हो सकता है हमें कोई ईमेल मिला हो, डिजिटल फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, एटीएम ट्रांजेक्शन लॉग्स हो सकते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, डिजिटल वीडियो, ऑडियो फाइल्स, कंप्यूटर प्रिंटआउट, कंप्यूटर बैकअप, इंस्टेंट मैसेज, फाइल्स सेव फ्रॉम अकाउंटिंग प्रोग्राम एक्सेट्रा। नाउ प्रिकॉशन, हम प्रिकॉशन कलेक्शन एंड पैकेजिंग दोनों टाइम में यूज करते हैं। फर्स्टली हम प्रिकॉशन बाय कलेक्शन, यू मस्ट कलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन अ फॉरेंसिकली साउंड मैनर। हमें सबसे पहले जो भी डाटा कलेक्ट करना है एक फॉरेंसिकली साउंड मैनर में कलेक्ट करना है, प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना है एक प्रॉपर मेथड का यूज करके। नेक्स्ट है, यू आर ऑफन कलेक्टिंग मोर डाटा देन यू कैन रीड इन योर लाइफ टाइम। हमें कोई भी डाटा इतने अमाउंट में कलेक्ट नहीं करना कि हम उसे अपनी पूरी लाइफ टाइम तक रीड ना कर सकें। एक प्रॉपर अमाउंट में डाटा लेना है जो कि काफ़ी हो किसी भी डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैंडल द डाटा यू कलेक्ट इन अ मैनर दैट प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी। हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करके ही सारे डाटा को कलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, वाइल्ड कलेक्टिंग द डाटा यू मस्ट कीप इन माइंड दैट यू मस्ट कैरी अ हार्ड डिस्क ऑफ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी फॉर मेकिंग द इमेज ऑफ द कंसर्न कंप्यूटर। हम लोग कोई भी अगर जो हम लोग सर्चिंग पे जाते हैं तो हम लोगों को हार्ड डिस्क कैरी करना चाहिए जो कि लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी की हो, कि हो सकता है हमें जो डाटा मिले वो लार्ज कैपेसिटी का हो और हमारे पास स्मॉल कैपेसिटी की हार्ड डिस्क हो, तो हम लोग उसमें उतना डाटा कैसे कैरी करेंगे, इसलिए हमें लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी की हार्ड डिस्क जरूर कलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, इवेल्युएट द इलेक्ट्रिकल एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल, बायोलॉजिकल और अदर हैजार्डस बिफोर डिसाइडिंग टू रिट्राइव द डिवाइस। हमें कोई भी ऐसा एविडेंस जो कि क्या हो एक्सप्लोड होने वाला हो या फिर कोई भी फ्लेमेबल एविडेंस हो उसे अलग तरीके से हैंडल करना, क्योंकि हो सकता है वो एक्सप्लोड हो जाए और पूरे एविडेंस को ही खराब कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे, इसलिए हमें उसे अलग से हैंडल करना है प्रॉपर तरीके से चेक करके। नेक्स्ट है, बिफोर एग्जामाइन द डिजिटल एविडेंस फॉर पॉसिबल एविडेंसेस सच एज फिंगरप्रिंट, ब्लड स्टेन, हेयर फाइबर्स। जैसे कि जो भी पॉसिबल एविडेंसेस है जो कि क्या होते हैं अपने डिजिटल एविडेंस के ऊपर मिल सकते हैं, जैसे कोई फिंगरप्रिंट हो सकता है, ब्लड हो सकता है, हेयर फाइबर्स हो सकते हैं, उन्हें अलग से एक्सट्रैक्ट करना है बिना डिजिटल एविडेंस को डिस्ट्रॉय किए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिकॉशन वाइल पैकेजिंग, जब हम लोग पैक करते हैं तो किस तरीके से प्रिकॉशन यूज करना, तो इंश्योर दैट डिजिटल एविडेंस कलेक्ट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंट लेबल मार्क्ड फोटोग्राफ्स। क्या करना है, कोई भी जो भी एविडेंस मिलता है उसे प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना है, लेबल करना है, मार्क करना है, फोटोग्राफ लेने हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड करने हैं और प्रॉपर तरीके से सील करना है।
नेक्स्ट है, हमें ये रिमेम्बर करना चाहिए कि हमें कोई भी एविडेंस जो कि हम लोग पैक करते हैं उस टाइम पे ये देखना है कि अगर कोई भी हमें बायोलॉजिकल एविडेंस मिलता है तो उन्हें अलग तरीके से अलग कलेक्ट करना है और डिजिटल एविडेंस से उन्हें अलग कलेक्ट करना है। और नेक्स्ट है मार्क और डिजिटल एविडेंस प्रॉपरली, हमें कोई भी डिजिटल एविडेंस है उन्हें प्रॉपर तरीके से क्लियरली मार्क करना है ताकि हमें पता चले कि क्या लिखा गया है। और जो भी हम पैकेजिंग करते हैं उसे हम लोग जितने भी डिजिटल एविडेंस है हम उसे पेपर में रैप करेंगे, उसके बाद उसे कलेक्ट करेंगे, सील करेंगे। नेक्स्ट है इंश्योर दैट ऑल डिजिटल एविडेंस इज पैक्ड इन अ मैनर दैट विल प्रिवेंट इट बीइंग एंड स्क्रैच। हमें कोई भी एविडेंस को कलेक्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय ना हो या फिर आप आसपास में रखे होने की वजह से स्क्रैच ना हो या फिर कोई भी एविडेंस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम हो, इसलिए हमें इन लोगों को अलग अलग पैक करना है, हर अलग एविडेंस को अलग अलग लेबल करना है। लेबल और कंटेनर्स यूज टू पैकेज एंड स्टोर डिजिटल एविडेंस क्लियरली एंड प्रॉपरली, हमें प्रॉपर तरीके से उसमें क्लियरली उसमें एंट्री करनी है कि वो एविडेंस कौन सा है, कैसा है, नंबरिंग करनी है। और लीव सेलुलर मोबाइल और स्मार्टफोन, हमें अगर कोई कोई मोबाइल फोन मिलता है या फिर कोई स्मार्टफोन मिलता है तो उन्हें प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है हो सकता है वो मोबाइल फोन ऑन हो या ऑफ हो, अगर ऑन है तो उसे एज इट इज ऑन की कंडीशन में हम लोगों को उसे सील करना है, या ऑफ है तो एज इट इज, अगर हो सकता है जो हम सील करते हैं तो अगर मोबाइल ऑन है तो हम उसे ऑफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि अगर हमें कोई डाटा मिलता है या फिर कोई वायर मिलती है, केबल मिलती है जिससे वो कनेक्टेड हो, तो हमें हर एक केबल को कलेक्ट करते वक्त अलग अलग मार्किंग करनी है ताकि हमें प्रॉपर पता चले कि ये वाली पहले लगी हुई थी या फिर ये वाली कॉइल पहले लगी हुई थी।